हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन लर्न टुगेदर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एम्स नॉर्थशायर नर्सिंग ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2023। सो फ्रेंड्स, पहले ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एम्स नॉर्थशायर के एप्लीकेशन फॉर्म जो वो रिलीज हो चुके हैं। जो पोस्ट होने को है वो 3055 की पोस्ट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के कोई भी डाउट नहीं रहेंगे कितनी एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है, किस एम्स में कितनी सीटें हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों के कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। अगर आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आपका भी सपना है एम्स नॉर्थशायर क्रैक करने का, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप लोगों के फॉर्म आए हैं एंड कब आए हैं। 13 अप्रैल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पोस्ट डेट अपडेट, जो पोस्ट डेट अपडेट हुई है वो 13 अप्रैल 2023 को है। मेरी ये ऑफिशियल साइट है। सो नेम ऑफ द पोस्ट, एम्स नॉर्थशायर फोर्थ रिक्वायरमेंट 2023, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 3055 पोस्ट। तो पोस्ट जो है 3055 वैकेंसी हैं, आप लोग पोस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट डेट अपडेट, अपडेट कब हुई ये डेट, तो 13 अप्रैल 2023 को, मतलब यानी कि कल आप लोगों का ये डेट आ चुकी थी। मतलब डेली डेली नोटिस तो आ रही थी कि फॉर्म आ जाएंगे या कल आएंगे, जब कब आएंगे, तो आप लोगों के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में अगर बात करूं, देखिए आप लोग पढ़ते जाइएगा, आप लोगों के सारे डाउट खुद क्लियर हो जाएंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस हैज रिलीज द नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्थशायर 2023 रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस 3055 पोस्ट। सो आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें जो पोस्ट हैं वो 3055 आप लोगों की पोस्ट हैं। दोज कैंडिडेट्स हु आर द इंटरेस्टेड इन द एम्स नॉर्थशायर, जो कैंडिडेट एम्स नॉर्थशायर के लिए इंटरेस्टेड है, रिक्वायरमेंट कैन अप्लाई फॉर्म 12 अप्रैल, मतलब कि 12 अप्रैल 2023 टू 5 मई 2023। तो आप लोगों के जो अभी आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, रीड द नोटिफिकेशन, तो पूरा रीड करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस। फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक अगर फॉर्म फिल करना है तो जल्द ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा, बिकॉज फिर क्या होता है कि जो साइट होती है वो जल्दी चलती नहीं, आप लोगों के फॉर्म फिल नहीं हो पाते। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो यहाँ देख सकते हैं एम्स नॉर्थशायर फोर्थ नोटिस से। तो शॉर्ट डिटेल में इंपॉर्टेंट डेट्स सब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म जो बिगिन, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जिस दिन आए हैं तो 12 तारीख को आ गए थे, मतलब कि नोटिस आ गई थी। एंड लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन, जो आप लोगों की लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 5 तारीख है, 5 मई 2023। और फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 5 मई को ही है। करेक्शन डेट जो आप लोगों की है वो 6 को होगी, 6 से 8 मई तक आप लोगों की करेक्शन डेट होगी, यानी कि 5 तारीख तक अगर आप लोग फॉर्म फिल करते हैं, फिर आप लोगों का कोई भी इशू आता है तो आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं। एंड एग्ज़ाम डेट आप लोग देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम डेट कब, मतलब एग्ज़ाम कब होगा। अब तो मतलब ये हो गया ना, ईयरली वाइज में 2 बार एग्ज़ाम होंगे, 2 बार आप लोगों के नॉर्थशायर का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ये बात है कि जो स्टूडेंट का इस बार नहीं क्रैक हो पाएगा, नॉर्थशायर क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो वो अपना जून में एग्ज़ाम दे, सॉरी सेप्टेम्बर में एग्ज़ाम दे सकते, यानी कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट है वो 3 तारीख यानी 3 जून को एग्ज़ाम डेट है, तो बिल्कुल भी आप लोगों के पास टाइम नहीं बचा है, 3 जून को आप लोगों की एग्ज़ाम डेट है। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के पहले ही आप लोगों के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो आप लोगों को पता हो जाएगा, जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी। फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है, कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं होता है, बिल्कुल नोटिस बता रहे हैं, जो बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। एप्लीकेशन जो फीस है वो जनरल ओबीसी की है 3000, बहुत काफ़ी है फीस 3000, लेकिन ऐसी ही फीस होती है SC ST EWS के लिए 2400 है एंड जनरल ओबीसी के लिए 3000 है। जो स्टूडेंट SC ST EWS से बिलोंग करते हैं तो वो
2400 अपनी दे सकते हैं। एंड पीएच जो है वो एक्सेप्टेड उनके जीरो है। पे द एग्जामिनेशन फिर थ्रो डेबिट कार्ड, आप लोग डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी करते हैं कर सकते हैं, या फिर आप लोग किसी भी कैफे में कराते हैं तो वो अपने आप से ही फीस पेमेंट कर देगा। आप लोग उसको कैश भी दे सकते हैं, नेट बैंकिंग और पे फीस थ्रो। आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। एम्स नॉर्थस्टर नोटिफिकेशन 2023 एग्जाम लिमिट एज सून एन 5/5/2023 मीन्स कि आप लोगों के जो एग्जाम है नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो एज लिमिट देख लेते हैं कि आप लोगों के 5 मई तक मतलब एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, सबकी ही हो चुकी होगी क्योंकि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं बचा होगा जिसकी 18 साल अभी एज ना हुई हो। मैक्सिमम जो एज होती है वो 30 ईयर्स आप लोगों की एज है। तो एम्स वैकेंसी आप देख सकते हैं, एम्स नर्सिंग ऑफिसर कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या किए होने चाहिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्स नर्सिंग ऑफिसर एम्स के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट कौन से होने चाहिए। तो मैं आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट नंबर पे दिया गया है बीएससी नर्सिंग एंड रजिस्टर्ड एज नर्स ऑफ द मिडवाइफ विद द स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग, स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं बीएससी नर्सिंग। देखिए बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, बस वो रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए, उनके पास आरएन नंबर होना चाहिए ताकि कोई फॉर्म फिल करते हुए मतलब कि आप लोग रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए। ओके और में दिया है कि अगर आप लोग बीएससी नर्सिंग नहीं किए तो फिर और भी ऑप्शन है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड रजिस्टर्ड एज ए नर्सिंग एंड मिडवाइफ इन ए स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन 50-बेडेड हॉस्पिटल। आप लोग अगर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी किए हैं यानी कि जेएनएम किए हैं तो आप लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कंडीशंस है, तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए 50-बेडेड हॉस्पिटल के साथ। अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो सबकी जिज्ञासा रहती है, सबकी इच्छा रहती है कि किस एम्स में कितनी पोस्ट है। देखिए इसमें से बहुत सारे एम्स होंगे जो सबकी एक एम होता है, एम्स के लिए एक एम होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि किसी को बरेली में जाना, तो किसी को गोरखपुर में जाना, किसी को पटना में जाना, किसी को तो न्यू दिल्ली जाना। न्यू दिल्ली तो सबका ही एम्स रहता है, आई होप जहाँ तक मुझे लगता है, जैसा कि मेरा एम्स है न्यू दिल्ली, तो सबका ही एम्स होता है न्यू दिल्ली एम्स में जाना। तो देखिए एम्स नेम देखते हैं और स्टेट नेम देखते हैं और पोस्ट देखते हैं। एम्स रायबरेली, तो एम्स रायबरेली में 77 पोस्ट हैं एंड एम्स गोरखपुर में कितनी है 121 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश में है। एंड एम्स पटना जो कि बिहार में लोकेटेड है पटना, तो उसमें 200 पोस्ट है। एम्स न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में जो है 620 पोस्ट हैं। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा लग रही मुझे, दिल्ली में सबसे ज़्यादा है बिकॉज बहुत ही बड़ा एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, तो इसमें पोस्ट भी ज़्यादा ही होंगे। एम्स सी के 289 पोस्ट, एम्स दियोघर तो वहाँ पे 100 पोस्ट है। झारखंड में एम्स भोपाल में 51 पोस्ट है जो कि मध्य प्रदेश में है। एम्स जोधपुर आप लोग देख भी सकते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ के भी बता रही हूँ। एम्स जोधपुर में 300 पोस्ट राजस्थान में जो कि है। एम्स नागपुर जो नागपुर में भी अच्छा है, जोधपुर में भी अच्छा है। एम्स देखिए सारे अच्छे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही होता है कि मुझे कोई भी पोस्ट मिल जाए, एम्स मिल जाए, एम्स सबका ही एम होता है। तो इसमें आप लोग ये ना देखिएगा मुझे इसमें चाहिए इसमें चाहिए, हाँ मतलब ये है अगर नहीं मिला तो सीट अपनी ना छोड़ें। एम्स नागपुर में 87 पोस्ट हैं, एम्स मंगलागिरी में 117 पोस्ट हैं, एम्स बिलासपुर में 178 पोस्ट हैं हिमाचल प्रदेश, एम्स बीबी नागर में तेलंगाना में 150 पोस्ट है, एम्स भुवनेश्वर में 169 पोस्ट है ओडिशा जो कि लोकेटेड है, एम्स रायपुर में 150 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में एम्स राजकोट में कितनी है, एम्स राजकोट में है 100 पोस्ट, गुजरात में एम्स कल्याणी, वेस्ट बंगाल में 24 वेस्ट पोस्ट है, एम्स विजयपुर 180 पोस्ट है, जम्मू में एम्स बठियाना तो वो है पंजाब में तो कितनी है 142 पोस्ट। तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो है हमारे नहीं सबसे ज़्यादा जो है वो दो सॉरी सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली में है, सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली में है, फिर इसके बाद कहाँ है, इसके बाद जोधपुर में है, फिर ऋषिकेश में है। तो आप लोग देख सकते हैं और कोई गलती हो रही है तो आप लोग खुद देख रहे हैं किसमें सबसे ज़्यादा है, और आप लोगों का जो भी एम हो तो आप लोग उसमें जा सकते हैं। एंड हाउ टू फिल एम्स नॉर्थ स्टेट, तो कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं ये भी देखेंगे।
तो एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2023 यहाँ पे दे सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कैंडिडेट अप्लाई बिटवीन 12/4/2023 टू 5/5 मतलब कि 5/5/2023 तो इसके बीच में आप लोग फॉर्म जो है रिक्वायरमेंट की गई है जो स्टूडेंट नर्सिंग ऑफिसर में जाना जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं है और काइंडली चेक द कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट चेक करिएगा एंड आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक डिटेल सब लोग अच्छे से करिएगा क्योंकि अगर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं कोई भी गलती होती तो कलेक्शन रेट में भी प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि साइट बहुत इधर होती है, बहुत ही स्लो चल रही होती है, आप लोग का काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट है। फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आप लोगों को एम्स का सिलेबस नॉर्थ शेयर का डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ताकि आप लोगों के कोई भी डाउट ना रहे, मैं सिलेबस बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट मिलेगा एंड आप लोग अपने कमेंट बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।